मध्य प्रदेश का एक शहर है महेश्वर। यहाँ एक सोने का झूला है जिसे चुराकर भाग रहे चोर अचानक अंधे हो गए थे। जब चोरों को पकड़ा गया तो उन्होंने बताया कि कोई दिव्य शक्ति उनका पीछा कर रही थी। इसकी वजह से वो झूले को चुरा कर नहीं ले जा सके। इस झूले को महारानी अहिल्याबाई ने बनवाया था। अहिल्याबाई भगवान को बहुत मानती थी। उनका अपना एक पूजा घर था। इस पूजा घर में भगवान श्री कृष्ण के लिए उन्होंने सोने का झूला बनवाया था। झूले के पास पारद शिवलिंग भी है जो चांदी पारे और जड़ी बूटियों से मिलकर बना है। झूला चोरी की ये कहानी इसी जगह की है। इतिहासकार बताते हैं कि डाकू सबसे पहले नदी किनारे आए। वहां किले की पुश्तैनी ऊंची दीवार पर चढ़ने के लिए घोड़पड़, जो कि एक गिरगिट प्रजाति का जानवर होता है, उसकी पूंछ में रस्सी बांधकर राजवाड़ा किले के अंदर घुस गए और पूजा घर में रखा स्वर्ण झूला चुरा लिया। जब वो सोने का झूला लेकर जाने लगे तो रास्ते में उन सभी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तब चोरों ने स्वर्ण झूले को महेश्वर की सीमा पर ही जमीन में गाड़ दिया और वहां से भाग निकले। फिर कुछ दिन बाद चोरों को पकड़ा गया और उनके बताने के बाद जमीन से झूले को बाहर निकाला गया। चोरी की इस घटना में झूला क्षतिग्रस्त हो गया था। तब क्षेत्र में ही रहने वाले नासिक के कारीगरों ने राज्य के सैनिकों की निगरानी में पुराने झूले को गलाकर नया झूला तैयार किया। महेश्वर को देवी अहिल्या की नगरी कहा जाता है और परोपकारी महारानी अहिल्या जी का यश पूरे विश्व में व्याप्त है। एक परोपकारी भक्त, शिवभक्त महारानी रही हैं वो, और इसी भक्ति के कारण उनका अपना एक बहुत विशाल पूजा घर इस महेश्वर में, जो कि उनका सादगीपूर्ण राजवाड़ा है, वहाँ पर स्थापित है। और वो घंटों पूजा करती थी, बहुत परिश्रमी थी, राजकाज के काम में बहुत व्यस्त रहती थी। उसके उपरांत भी वो बिल्कुल अलसुबह सौंदर्य से पूजा पाठ का काम करती थी और शिव भक्त थी, इसलिए शिव जी की विशेष पूजा करती थी। इसके अलावा उनके पूजा घर में बाल गोविंदा जी भी थे और बाल गोविंदा जी को का जो झूला होता है वो झूला स्वर्ण झूला है, जो कि आज भी देखा जा सकता है। बताते हैं कि काफ़ी वजनी झूला है और एक बार ये चोरी भी हो गया था, क्या घटना थी? हाँ, ये करीब 18.5-20 किलो के लगभग का झूला है आज, और पूरा 100 इंच 24 कैरेट सोने का बना हुआ है, बहुत ही कलात्मक बना हुआ है। और ये भी सुनते हैं कि यहीं के कलाकार ने इसे बनाया है। आप जो कह रहे हैं कि एक बार कुछ घटना घटित हुई थी, तो वो सन 1955 का वाकया है। 1955 में यहाँ देवी जी की पूजा घर में एक विशाल झूला बाल गोविंदा जी का हुआ करता था, और उस विशाल झूले की महाराष्ट्र से आए डकैतों ने डाका डालकर उसे चोरी कर लिया था। और वो जिस रास्ते से आए थे नर्मदा किनारे तट पर, वहाँ नाव बांधी जाती थी और बड़े बड़े रस्से हुआ करते थे, तो उस रस्सों को काट कर उन्होंने उस पुश्तैनी दीवार तक लगाया किले की, और वहाँ से चोरी को अंजाम दिया और उस झूले को यहाँ से चुरा कर ले गए थे। बताते हैं कि दीवार पर चढ़ने के लिए उन्होंने घोड़पड़ का सहारा लिया। हाँ, लेकिन और चुरा भी है, लेकिन सीमा को क्रॉस नहीं कर। हाँ, ये भी आपकी बात बिल्कुल ठीक ही है कि बहुत ऊंचाई पर चढ़ने के लिए उस ज़माने में जो साधन होते थे, उसमें हमारे निमाड़ में जिसको घोड़पड़ कहते हैं, ये गिरगिट की प्रजाति की बड़ी एक जानवर होती है, जो अपने पैरों से किसी भी चिकनाई पत्थर पर चिपकने में और स्थान बनाने में बहुत होशियार होती है। तो उसके जरिए वो लोग राजबाड़ में पहुँचे और देवी जी के पूजा गृह में उन्होंने उस चोरी को अंजाम दिया और झूले को वहाँ से तोड़ फोड़ के निकाल कर ले गए। और शहर की सीमा के पार हों इससे पहले ही उन्हें आभास हुआ कि कोई दिव्य शक्ति उनका पीछा कर रही है और उन्हें कुछ बेचैनी सी हो रही है। कुछ लोगों को आँखों में धुंधला सा दिखाई देने लगा और वो घबराने लगे। तो उनके जो एक डकैत, जिसके बारे में कहा जाता है कोर्ट में भी, जिनका नाम है गोकुलगिरी ने कहा कि मुझे भी कम दिखाई दे रहा है। तो उन लोगों ने मशवरा करके कि ये कोई देवी प्रकोप है, और झूले को आगे न ले जाते हुए महेश्वर की सीमा में उन्होंने गड्ढा खोद के उसको गाड़ दिया था और वो आगे निकल गए। और ये वाकया तब खुलासा हुआ जबकि पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट किया था, तब उन्होंने बताया था कि हमने यहाँ पर झूले को गाड़ा है।
इस खास और कीमती झूले को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। दिन में पूजा घर खुला रहता है, सुरक्षा को देखते हुए झूले और मूर्तियों को हाथ लगाना मना है। फोटो और वीडियो बनाने पर भी प्रतिबंध लगा है। अहिल्या बाई के बाद से खासगी ट्रस्ट इस पूजा घर की देखरेख कर रहा है। पूजा घर में सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड, चौकीदार और पुजारी मौजूद रहते हैं। विशेष दिनों में अहिल्या बाई के वंशज यहां पूजा करने आते हैं।